नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता का महाजुटान होने वाला है और इसके मुखिया या फिर यूं कह ले कि इसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें आने के लिए न्योता भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनको 23 जून की जो बैठक है उसमें आने के लिए न्योता भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है M.K. स्टालिन से मुलाकात करने के दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी तिरुवरु में M. करुणानिधि की जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही स्टालिन को 3 दिन बाद पटना में होने वाली विपक्षी मीटिंग का भी न्योता देंगे। यानी कि आज 20 तारीख और आज से ठीक 3 दिन बाद विपक्षी दल का पटना में मीटिंग होने वाला है, महाजुटान होने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये मुहिम छेड़े हुए हैं तमाम देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का। और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला उसमें BJP को मात देने के लिए इसी कड़ी में नीतीश कुमार जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तमाम राज्यों के CM से जाके मुलाकात करें। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जाएंगे और वहां पे M.K. स्टालिन से उनकी मुलाकात होगी और उनको न्योता भी दिया जाएगा। देश भर के विपक्षी दलों के महाजुटान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दक्षिण भारत के किसी राज्य का यह पहला दौरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें तो CM नीतीश मंगलवार सुबह पटना से चेन्नई के लिए रवाना होंगे। स्टालिन से मुलाकात के बाद वो शाम में वापस पटना आएंगे। डिप्टी CM तेजस्वी यादव के भी नीतीश कुमार साथ रहेंगे। तमिलनाडु दौरे पर जाने की खबर जो है तेजस्वी यादव, इससे पहले तेजस्वी यादव मार्च में भी तमिलनाडु गए थे और अब जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है तमिलनाडु जाएंगे। आज सुबह सुबह ही ऐसी खबर है कि निकलने का बात जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमिलनाडु जाएंगे जहां वो M.K. स्टालिन को 23 जून की जो होने वाली बैठक में न्योता देंगे और साथ ही वो तमिलनाडु के पूर्व CM M. करुणानिधि के जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार जो है 23 तारीख के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। यूं कह लें कि सारे विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि 2024 में जो है वो BJP को हरा सके, केंद्र की सरकार जो है उसको गिरा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो पिछले दिनों की मुलाकात हो या फिर आज की मुलाकात हो। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको आने का न्योता भी दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।